हेलो एवरीवन, आई होप अच्छे होंगे आप लोग की और मेंस की तैयारी भी ऐसी चल रही है। तो आज का जो वीडियो है, ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन का है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे फिगर्स का हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, शेडेड पार्ट, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 1, ठीक है। तो इसमें पहला वीडियो है, अभी 5-6 वीडियो और आएंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, ठीक है, उनका हम शेडेड एरिया निकालेंगे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना होता है, एक मेंस लेवल का बनाना होता है, तो क्या होता है कि यही छोटे छोटे फिगर जो होते हैं ना, वो मेंसुरेशन में आपको क्या करते हैं कि मतलब 2D मेंसुरेशन में किसी पार्ट में, सेमी सर्किल में या सर्किल में, ठीक है, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ये क्या करते हैं, उस फिगर को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक, और उसका मतलब एरिया निकालना होता है। तो अगर हम ये छोटे छोटे एरिया फिगर का अगर शेडेड पार्ट एरिया निकाले रहेंगे, और हमको पता होगा कि कैसे निकाल सकते हैं, तो हम उनका भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इस सीरीज में हम देखते हैं 10-12 क्वेश्चन कुछ, ठीक है, उनका थोड़ा सा एक अलग स्टाइल में कि किस तरह शॉर्ट वे में निकाला जा सके, ठीक है। जो शॉर्ट वे में होगा उसको शॉर्ट वे में ही निकालेंगे, और जो थोड़ा सा है एक दो क्वेश्चन जिसको नहीं, आप थोड़ा सा, हाँ, लेकिन वो भी है कि कॉन्सेप्ट पता होगा तभी निकाल पाइएगा, नहीं पता होगा तो फिर ऐसे ही फिगर को देखते रहिएगा, सोचते रहिएगा कि क्या करना है, ठीक है। चलिए अब जो है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इनका हमको ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो क्या करना है इसमें, देखिए, बस फिगर को थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर एनालाइज नहीं कीजिएगा तो सोचिएगा, अरे यार, इसका एरिया तो हम नहीं जानते हैं, इसका इस स्लिप का जानते हैं, इसका तो नहीं जानते कैसे निकलेगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा बस फिगर को एनालाइज कीजिए, उसके बाद देखिए कितना ईजी है। अब देखिए मैं क्या किया, बस एक डायगोनली एक लाइन खींच दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इस स्लिप को बाइसेक्ट कर दिया, आधा आधा बांट दिया। तो अब आप बताओ, ठीक है, ये वाला आधा पार्ट अगर इसको मैं इधर लेके चला जाऊं और इस आधे वाले पार्ट को इधर लेके चल जाऊं, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एरिया आपको इसका प्लस ये निकालना था, अब वो सिर्फ ये बच गया, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे निकलेगा, तो एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकाल के एक ट्रायंगल के एरिया के माइनस कर दीजिए, यानी कि पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि अगर आपको बोला जाए तो हो सकता है ए स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन में शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। अब आप इसको भी देख के वैसे ही सोचिएगा कि क्या होगा, बस फिगर एनालाइज कीजिए, देखिएगा एकदम आंसर आपके सामने नज़र आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर स्केल में ले लेता हूँ, एक मिनट, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे इसे ड्रॉ करूँ, ठीक है। देखो एक चीज़ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हाफ हाफ फिगर इक्वल है, यानी ये फिगर और ये फिगर इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले आधा फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है क्लियर। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये अगर इस पार्ट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो एक ये स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस पार्ट को मैं इधर लेके चला जाऊँ तो ये भी एक छोटे वाले स्क्वायर, यानी छोटे वाले स्क्वायर का साइड कितना है, 2, ठीक है।
तो यानी एक स्क्वायर यहाँ बनेगा, एक स्क्वायर यहाँ बनेगा, उसी तरीके से एक स्क्वायर यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, 4 × 2² चार ही स्क्वायर बनेगा ना, कितना हो जाएगा ये 16 आंसर, ठीक है। कुछ था, कुछ नहीं था, कब, जब आपने फिगर को एनालाइज कर लिया। अगर फिगर को एनालाइज नहीं कर पाते तो फिर लगते सेमी सर्किल का एरिया निकालने, फिर माइनस करते इस लीप का एरिया, माइनस करते, बस हो जाता राम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें शेडेड पार्ट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर है, ए साइड का गिवन है। अब आप देखो इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या है, मैं MPG का यूज करूँगा इसमें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि आसान तरीके में आपको जाना है तो इसीलिए। और MPG तो ऑलमोस्ट सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो MPG के बहुत सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आप किन्हीं का भी देख सकते हैं। और अगर मेरा पसंद हो तो मैंने MPG ही खास कर, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है। हाँ, वो भी खुद से ही सीखा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो उसका मैंने 4-5 वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में, हर ट्रायंगल में कंडीशन, गिवन कंडीशन के अनुसार MPG कब लगता है वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या करो, सिंपल सा, पहले तो ये एक डायगोनली यहाँ पर ड्रा हो जाएगा, तो इसका एरिया तो आपको पता है सिंपल सा कि सेक्टर के एरिया में से ये कर। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा ये बोला कर, तो कुछ नहीं। आप देखो यहाँ पे MPG अगर आप लगाओगे तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मास, यहाँ पे 1 मास, ठीक है, यहाँ पे भी 1 मास, यहाँ 1-1 से 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होगा ये वाला CBN। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये इस एरिया को अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B, तो A आप पहले लिखो, A अगर लिखोगे तो क्या होगा, पाई A स्क्वायर सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। उसके बाद बी का एरिया क्या होगा, तो देखो बी क्या है, 2/3 है इसका, इस ट्रायंगल का 2/3 है, समझना है, एक मिनट, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये इस ट्रायंगल का एरिया का 2/3 है बी, तो यानी 2/3 × 1/2 ए, ठीक है, हाइट ए हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर बाय 6, क्लियर है, ए स्क्वायर बाय 6। अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी ही तो करना है, ए प्लस बी, आप ए प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी करोगे तो, कीजिए ना, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, अगर एक मिनट में इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग तो आंसर भी ला दिए होंगे, यही थोड़ा सा होता है, क्या कहें, ए प्लस बी कीजिएगा तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 6, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाई 6 था बी का, तो मैंने बस माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि ए स्क्वायर वाले फिगर को एक साथ सॉल्व करूँगा, तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 3, यानी कि ए स्क्वायर बाय 12, और आ जाएगा आपको कितना, 3π − 4, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो एमपीजी यार अगर नहीं आता है तो सीख लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिना एमपीजी के सवाल नहीं बने, लेकिन एमपीजी से थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि आप आराम से 30 से 35 सेकंड जो आराम से क्वेश्चन में बचा सकते हैं, अगर उसमें एमपीजी अप्लाई होता है और आपको आता हो तो, ठीक है। बहुत बच्चे को तो यही पता नहीं चलता है कि मतलब एक एरिया बेस्ड थ्योरम आया था ग्रुप में कुछ दिन पहले, क्वेश्चन एरिया बेस्ड थ्योरम का क्वेश्चन था, सोच रहे हैं कि उसमें भी एमपीजी लगा देते। ऐसा नहीं हो सकता, एमपीजी लगाने का कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कब लगाते हैं, ये सारा का सारा जब आप एमपीजी का मेरा प्लेलिस्ट का वीडियो देखिएगा तो उसमें आप फर्स्ट लेक्चर में ही फर्स्ट वीडियो में ही वो बताया हुआ है कि कब लगा सकते हैं, ठीक है, और कैसे लगाते हैं वो भी बताया हुआ है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने कर चुका होगा पहले भी, ठीक है। तो पता नहीं आप लोग क्या क्या फार्मूला रट के रखे हुए हैं या कैसे बनाते हैं। मेरा जो तरीका है निकालने का तरीका, ठीक है, वो सिम देखिए क्या है कि मैं कुछ नहीं, ये इस फिगर का मैं जो है एरिया याद करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसे ही नहीं याद करके बैठा हुआ, विद डेरिवेशन करके रखा हुआ हूँ। तो मुझे याद है कि अगर कोई एक स्क्वायर है और ऐसे कोई एक लीफ बनता है, ये तो इस लीफ का एरिया होगा, अगर ये साइड एक्स है तो एक्स स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 1, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, क्लियर है, एक्स स्क्वायर। अगर नहीं याद हो, मतलब ऐसा नहीं कहता हूँ कि डायरेक्ट याद कीजिए, पहले आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, डेरिवेशन का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, डेरिवेशन आप कर लीजिए घर पे, कुछ नहीं करना है, कि ये स्क्वायर है ना, आपको इसका एरिया निकालना है तो कुछ मत कीजिए, एक बीचों बीच डायगोनल फाड़ दीजिए, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया में से, सॉरी इसका एरिया निकालना है, पहले इसका डबल कर दीजिएगा, एक सेक्टर का एरिया निकालिएगा, ठीक है, अब माइनस कर दीजिएगा ट्रायंगल का एरिया, क्लियर, तो आपको इसका एरिया निकल जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिएगा जो फाइनल रिजल्ट आता है आपको यही आता है, एक्स स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, तो यही हमको याद करना है, ठीक, और मैं यही करके याद करके रखा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है इस फिगर में। आप देखो इस जैसे चार आपको इक्वल, ठीक है, लीव्स नज़र आ रहे हैं, आप एक का एरिया फाइंड कर दो, ठीक है, कोई तरीका जरूरी नहीं है कि मैं सेमी सर्किल माइनस ये एरिया निकालूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, एक लीप का एरिया निकालो, एक लीप निकालने के लिए देखो कि ये किस स्क्वायर में बन रहा है, तो ये 4 × 4 के स्क्वायर में बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, 16π/2 - 1, ठीक है, इसका एरिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 4 से होगा तो 32π, ठीक है, माइनस 64, तो ये आपका हो जाएगा 32π - 64, यानी कि ए इज द आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं, वही है, एनालाइज करने का काम है, ठीक है, चलिए देखिए कैसे आप एक एनालाइज कीजिएगा। दोनों मिड पॉइंट पे हैं, बस देखिए ना, ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं आपको देखने में लग रहा होगा कि ये एरिया और ये एरिया में थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल नहीं ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर में बना हुआ तो इक्वल ही है एरिया, आप कुछ मत करो, इस एरिया को उठा के कहीं भी यहाँ लगा दो, इस एरिया को उठा के यहाँ लगा दो, ठीक है, इसका मतलब आपको एक दो छोटे स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है, दो छोटे स्क्वायर का एरिया करने का मतलब बड़े वाले स्क्वायर का एरिया का हाफ, यानी कि ए स्क्वायर बाय 2, क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगर आप अब आप देखो, आप बिल्कुल एकदम सोचना इस पे कि अगर आप इस तरीके से नहीं जाते हो तो सोचो कितना इसमें कॉम्प्लिकेटेड आप चले जाओगे, सोचते हो कैसे फाइंड करेंगे, लिए
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था एकदम ठीक उसी का, कुछ नहीं करना है इसमें, हाफ बांटिए, हाफ को उधर लेके चल जाइए, ये आपको पता चलेगा। ये हो गया, यानी आपको एक स्क्वायर का एरिया का हाफ पूछ रहा है, यानी 100/2। देख रहे हैं 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब, और ये सब करवाने का एक ही मकसद है कि यही सब क्वेश्चन जो है बड़े वाले क्वेश्चंस में आते हैं छोटे फिगर, और आपको इनका एरिया मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई इसका एरिया ऐसा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये आपको मतलब सेंटेड वाले पार्ट का वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, मतलब यही यहाँ है कि एनालाइज पावर पूरा ख़त्म, मतलब इसको आप 5 सेकंड भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा लंबा जाएगा करना, लेकिन 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वो भी कब, जब पूरा चीज़ आपको पता हो इसे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आप एसएससी का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें आप जानते होंगे कि अगर एक स्क्वायर आपको दिया रहता है, ठीक है, एक स्क्वायर दिया रहता है और इस तरीके से, ठीक है, तो अगर आपने इनको मिलाया तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ये तो पता ही होगा। तो हमको बस वही इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। ठीक है, कैसे करना है तो ये देखो, थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, और ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो अब आप अगर इसको ए नाम दे दो, इसको भी ए ही नाम दे दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ए का एरिया कैसे फाइंड होगा, ए का एरिया कैसे फाइंड कीजिएगा, ए का एरिया, तो एक एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसके 60 डिग्री वाले सेक्टर में से, 60 डिग्री वाले सेक्टर में से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो हमको ए मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। चलिए तो हम वही करते हैं, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, तो सेक्टर का एरिया होगा पाई 36/6, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 36। ठीक है, अब इसको अगर आप 2a से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि आपको 2a, तो ये हो जाएगा 12π − 18√3। ठीक है, तो आपको सेडेड पार्ट निकालना, तो क्या बोला था मैंने, 2a निकाल दिया मैंने, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूँ, तो सेडेड एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर इसमें 12π − 18√3 प्लस में ऐड हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, यानी आ जाएगा आपको 3/π − 3√3। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, देख के तो लग रहा होगा ये क्वेश्चन कितनी बार किए हुए हैं। ठीक है, कुछ है ही नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसमें से आपको ये 3 एरिया को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं, देखिए आप ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4a² यानी कि 64 − 3π r² कितना हो जाएगा 16/6। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 8/4 16, यानी कि 16√3 − 8π।
8 कॉमन लेंगे तो 2√3 माइनस पाई, यानी कि ये हमारा ई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। फिगर को देख कर कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? देखिएगा, आप अगर मेंस का क्वेश्चन किए होंगे तो एक मेंस रिसन ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कुछ इस तरीके से, एक ऐसा। याद आया? तो अब आप एक चीज़ देखो कि ये यही ना था, यही इसी का ना, यही क्वेश्चन यहाँ है एक सेमीसर के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने कि यही छोटे छोटे फिगर बड़े फिगर्स में एम्बेडेड रहते हैं और आपको एरिया फाइंड करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसका करने का मेरा स्टाइल, मेरा क्या वही जो, हाँ ठीक है, एनालाइज कीजिएगा तो ईजी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इसको दो तरीक़े से किया जा सकता है। पहला तो एक सिंपल सा है कि दो, एक सेमी सर्किल का एरिया, ठीक है, एक सेमी सर्किल के, मतलब दो सेमी सर्किल के एरिया में से इस वाले लिप का एरिया माइनस कर दो। और इस वाले लिप का एरिया क्या होता है वो मैंने डायरेक्ट आपको याद करवा दिया कि एक्स स्क्वायर इंटू पाई बाई टू माइनस वन, जहाँ एक्स क्या होता है साइड, तो यहाँ पे साइड कितना हो जाएगा ए बाई टू, क्योंकि ये ए बाई टू स्क्वायर में बन रहा है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, वही जो फिगर को एनालाइज करने से आपको पता चलेगा। चलो देखो क्या है वो, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये एकदम सर्किल का सेंटर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ओहो ठीक। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के यहाँ लेके चले जाओ, और ये वाला पार्ट को यहाँ पे, समझ में आ गया? यानी कि दो छोटे स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर का हाफ, ठीक है। तो एक स्क्वायर का हाफ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू, यही हमारा आंसर है, समझ में आया? तो जो मैंने पहला तरीका बताया उससे भी देखो ये कितना छोटा हो गया, कि दो सेमी सर्किल का एरिया निकालते हैं फिर माइनस करते हैं स्लिप का एरिया। यहाँ क्या है, बस एनालाइज करना है फिगर को आपको, देखो यहाँ पे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, ठीक है, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है जिसमें हमने नीचे वाले के लिए निकाला था इसका, ठीक है। तो ये यही दो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एकदम अच्छे लेवल का है। देखिए इसका जो है करने का तरीका, इसका एक दो तरीका और है, ठीक है, लेकिन मेरा जो है, मैं जैसे करता हूँ वही मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। बाकी ऐसा हो सकता है कि कुछ मास्टर ने इसको अलग तरीके से करवाया होगा। तो देखिए इसको, सबसे पहला क्या होता है कि अगर आप जो, पहली बात ये क्वेश्चन वैसा नहीं है कि जो 5 से 6 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो अब क्या कि बनाओगे कि, तो बनाने का भी जो कॉन्सेप्ट अगर पता हो तभी आप उस आग पे आगे चल सकते हो कि हाँ इस तरीके से मैं करूँगा तो बना सकता हूँ। अब देखो आप, मुझे क्या दिख रहा है इस फिगर में कि मुझे ये पार्ट निकालना है, तो मैं अगर इस तरीके से डाल दूँ, इस तरीके से, यानी मुझे ये एरिया निकालना है और उसका डबल कर देना है ये वाला, ठीक है। क्लियर है? तो मुझे उसका एरिया निकाल, अब ये कैसे निकलेगा, तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं, पहले तो आप एक काम करो इसको, अगर मैं इस ट्रायंगल का निकाल लूँ, अगर मैं इसको नाम दूँ ए बी सी, इसको ओ नाम दे दूँ, अगर मैं ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया में से ये वाला जो पार्ट है माइनस कर दूँ,
समझ में, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया जो कि हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा ए बाय टू और ए बी की लेंथ हो जाएगी कितनी, टोटल ए है हमारा, ए में से ये माइनस कर देंगे कितना, रूट थ्री ए बाय टू माइनस कर देंगे तो ए बी की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ए बी का लेंथ क्या होगा। तो अगर मैं ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और ये वाला जो शेडेड, मतलब ये जो मैं अभी ग्रीन पार्ट से कर रहा हूँ, इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा शेडेड एरिया निकल जाएगा, ये निकलेगा और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्लियर? तो अब आप देखो ट्रायंगल का एरिया तो समझ गए आप, चलो आप अच्छा अब आता है कि ये शेडेड वाला पार्ट है कैसे निकलेगा। तो कुछ नहीं करो यार, देखो ना यार, ये 60 है तो ये कितना है, 30 होगा। अगर मैं 30 के सेक्टर में से और ये एक ट्रायंगल जो है बी ओ सी माइनस कर दिया तो वो पार्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए अपन काम पे लगते हैं। यानी आपको करना क्या है, तो पहले तो आप ए बी सी का एरिया निकालोगे, ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया क्या कैसे निकलेगा, तो हाफ ए बाय टू इंटू ए बी, ए बी की लेंथ क्या होगी, तो ए माइनस रूट थ्री बाय टू। इसको आप सब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ए टू माइनस रूट थ्री बाय टू। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा आपको ए स्क्वायर बाय एट टू माइनस रूट थ्री। ठीक है, दूसरा अब आपको क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया, ओ बी सी सेक्टर जो 30 डिग्री वाला सेक्टर है। ठीक है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन में इसे दे दिया। ठीक है, तो निकाल लो यार क्या हो, पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 30 है तो 30 बाय 360 यानी कि 12। ठीक, और अब आता है ओ बी सी क्या, ट्रायंगल, तो 1/2 ए स्क्वायर और साइन 30 यानी हाफ यानी कि ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ए बी सी का एरिया निकाल लिया, चलो यार कर ही देता हूँ। ठीक है, कर ही देता हूँ आप लोग को, ये सब हो गया। चलिए अब देखिए एक चीज़ जान लीजिए भाई, इसको बहुत इम्पोर्टेंट ये सब है, ये वीडियो एक्चुअली बनाने का मेरा मकसद है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले मतलब ग्रुप में चले थे। ठीक है, तो अभी वो रिवीजन के समय वो क्वेश्चन सब वापस आए हैं, तो उसी क्रम में सोचा कि मैं सोचा कि इस तरह के सेटेड पार्ट वाले एरिया को एक बार करवा ही देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट देखिए आप यहाँ पे, ठीक, तो सेटेड पार्ट का एरिया मैंने क्या बोला था कि आप इसका निकालोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक का, अभी एक का क्या होगा, ए बी सी का ट्रायंगल, ए बी सी का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर निकाले थे अपने, ए स्क्वायर बाई 8 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, इसमें से तुम माइनस करोगे क्या, उस शेडेड पार्ट का एरिया, और शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, तो एक सेक्टर का एरिया जो है पाई ए स्क्वायर बाय 12 माइनस उसमें ए स्क्वायर बाय। ठीक है, तो आप क्या करो, ए स्क्वायर को बाहर ले आओ, ठीक है, 2 को अंदर भेजोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका ए स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर बाई
ट्वेल्व माइनस थ्री रूट थ्री माइनस टू पाई, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको ऑप्शन से आप मैच कराओगे तो आपका, ठीक है, तो ये आपका कितने क्वेश्चन हुए होंगे, शायद 11-12 हुए होंगे, ठीक है, तो ये आपका 11-12 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी फिर इसी तरीके से 12-15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो इसमें से जहाँ तक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तीन या चार बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक ये, एक इसका नीचे वाला, ठीक है, जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था, उसके बाद लीप्स वाले जो एक थे वो बड़ा वाला, और एक जो MPG मैंने जो इसमें लगा के यूज किया था, ठीक है। चलिए, बाकी है इम्पोर्टेंट ही है, बाकी मतलब है कि आपने किया हुआ है या बहुत टाइम से आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये है, बाकी मेंस की तैयारी करते रहिए, जहाँ तक मेरा सपोर्ट का होगा मैं देते रहूँगा, ठीक है, थैंक्स।